नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, मैं जलडेगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ, आपका अपना यूट्यूब चैनल जलडेगा एग्रो में आपका स्वागत है। आज हम जलडेगा प्रखंड के तीनगिना गांव के ऐसे किसान से मुलाकात किए हैं जो बंद गोभी का खेती अच्छे समय में अच्छे पैदावार लेकर अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं। आइए हम उनसे जानेंगे पूरी खेती के बारे में, ए टू जेड बंद गोभी का खेती के बारे में कि कब उसको लगानी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कौन सा वैरायटी लेना चाहिए या फिर आने वाला रोग का रोकथाम कैसे करना चाहिए। कहने का मतलब हम लोग ए टू जेड संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाई जोहार। जोहार। आज हम लोग आए हैं आपके यहाँ ये बंद गोभी का खेती के बारे में सीखने के लिए, और हमारे जो दर्शक हैं जलडेगा एग्रो यूट्यूब चैनल के, उनको सिखाने के लिए। तो आप हमें बताइए ये बंद गोभी का खेती, हम सबसे पहले समय से जानेंगे क्योंकि समय ही ऐसा चीज होता है जो किसान को नफा और नुकसान दोनों देता है। तो हम लोग इसके साथ में टिप और ट्रिक्स दोनों को सीखेंगे कि आज हम लोग कैसे खेती करेंगे बंद गोभी का। तो किसान भाई हमको सबसे पहले बताइए कि अगर हम ये बंद गोभी को अगर सही उत्पादन लेना चाहे और अच्छी आमदनी प्राप्त करना चाहे तो हम कौन सा महीना का चयन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र नायक है, मैं तीनगिना निवासी हूँ। हम लोग खेती तो बचपन से करते थे लेकिन बंद गोभी में उतना टैलेंट हम लोग भी नहीं थे। खेती करते करते धीरे धीरे अब सीख रहे हैं और उगा रहे हैं, बेच रहे हैं। मुनाफा तो सब खेती से बढ़िया मिलता है बंद गोभी में रेट पकड़ने पर। से बंद गोभी को अगस्त महीना में इसका मैंने बिचड़ा तैयार करने से और अगस्त लास्ट से लेकर सितंबर 15 तारीख तक लग जाने से और बढ़िया पैसा देता है, मैंने आमदनी अच्छा होता है। अब हम दूसरी जानेंगे कि हम क्योंकि उस समय नर्सरी का तैयार करना बहुत मुश्किल होता है, तो नर्सरी उस समय हम कैसे तैयार करेंगे अगस्त का महीना में। वही होता है कि मिट्टी को पहले सुखा के और जैसे उसको उसको कुड़ाई करके बढ़िया से खाद उद मिला करके और प्लास्टिक ढक के रखना पड़ता है। अच्छा, मतलब हम जमीन से कितना इंच ऊपर उठाएंगे? कम से कम 6 इंच। जमीन से 6 इंच ऊपर उठाएंगे? हाँ। और फिर समतल बनाएंगे और ढलान नुमा बनाएंगे क्या? नहीं नहीं, पहले तो मिट्टी को जमा करके प्लास्टिक ढक देना है और अच्छा। जिस दिन मैंने बिचड़ा मैंने बीज डालना है हाँ। उसी दिन इसको प्लेन कर देना है। जैसे अगर उस नर्सरी को हम तैयार कर रहे हैं तो हम उस मिट्टी में क्या क्या डालेंगे? यही हम लोग तो गोबर भर देते हैं, वैसे चलेगा बस। और जैसे आप बाजार से बीज ले आके आते हैं तो उसको कुछ उपचार भी करते होंगे? हाँ, बीज उपचार तो करना पड़ता है। कैसे करते हैं? बबिस्टिन से करते हैं। अब बबिस्टिन बाजार से लेकर के और उसको आप? हाँ, उसमें बीज मैंने घोल बना के या तो थोड़ा सा पाउडर देके हल्का पानी देके उसी में मिला देते हैं बीज में बढ़िया से। उसके बाद उसको कुछ देरी छोड़ देते हैं, सुखा देते हैं। बाजार से बीज लेकर के आते हैं और लाने के बाद तुरंत बुआई कर उसमें बुआई कर देते हैं या फिर उसको अंकुरित करते हैं? नहीं, उसको तो सूखा ही मिट्टी में डालते हैं, उसको जैसे अंकुरित नहीं करते हैं। यानी बाजार से बीज लाए और उसको डाल दीजिए हाँ। और वो नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाता है? नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो जाता है लगाने लायक का। और नर्सरी के स्टेज में बहुत सारा बीमारी भी आता है, तो उस क्या क्या बीमारी आता है, उसका आप कैसे इलाज करते हैं? उसमें तो ज्यादातर वही जैसे कहा कि सूक्ष्म कीट फतिंगा सब बैठता है तो उसके लिए दवाई देते हैं या तो वही फंगिसाइड लगता है उसका दवाई देते हैं। नहीं, जैसे नर्सरी के स्टेज में हम लोग का किसान भाई सबसे मुश्किल समस्या से गुजरते हैं वो है कि उसमें उसका पौधा में क्या लग जाता है, छोटा छोटा हाँ जलन भी होता है और बहुत छोटा छोटा सूक्ष्म कीट जो बैठते हैं तो उससे कमजोर हो जाता है पौधा और मर जाता है। तो इसके लिए क्या दवा डालते हैं? उसके लिए तो साधारण हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं जैसे साफ हुआ यही सब, तो ऐसा कोई दवाई नहीं देते हैं। किसान भाई अगर आपके खेत में गोभी का नर्सरी कर रहे हैं, बंद गोभी का नर्सरी कर रहे हैं और उस समय आपका खेत में अगर पौधा का गलने का शिकायत होता है तो बाजार में कैप्टन नाम का दवा आता है, उसे ला करके आप प्रति लीटर 2 ग्राम पानी के साथ में स्प्रे या उसमें ड्रिंचिंग कर सकते हैं तो आपका वो निदान हो जाएगी। अब हम जानते हैं हमारा नर्सरी तो तैयार हो गया, हम खेत की तैयारी कैसे करेंगे? खेत के लिए तो बस जुताई कुड़ाई करना है, सब जोताई कुड़ाई करके मट्टी महीन कर देना है और लगाना है। कितना बार जोताई करेंगे खेत का? जोताई तो मट्टी के अनुरूप जोताई करना पड़ता है, जैसे कठोर मिट्टी होगा, हार्ड मिट्टी होगा तो उसमें ज्यादा समय लगता है जोताई करने में। मिट्टी का जोताई तब तक करें जब तक हमारा मिट्टी भुरभुरा ना हो जाए। और उसके साथ साथ में कुछ गोबर भी डालेंगे? हाँ, गोबर तो देना ही है, गोबर नहीं देने से। एक एकड़ में कितना डालते हैं आप लोग? एक एकड़ में कम से कम 4 ट्रैक्टर। चार ट्रैक्टर हाँ।
और उसके साथ में आप कुछ उर्वरक डालते हैं बाजार से लाकर के, यूरिया हाँ डीएपी? यूरिया डीएपी जैसे लगाने समय तो डीएपी देते हैं और कूड़ा करने समय हल्का यूरिया की मात्रा देते हैं। अच्छा, जैसे लगाते समय देते हैं, उससे पहले तो नहीं देते होंगे? नहीं, लगाने समय सिर्फ डीएपी देते हैं। एक एकड़ में अगर हम गोभी का खेती कर रहे हैं तो उसमें आप कितना ग्राम बीज लेते हैं? एक एकड़ में जैसे वो तो जितना मैंने जैसे बिचड़ा लगाने पर अगर वो बढ़िया बीज रहता है 100% अगर अंकुरित हो जाए तब ज्यादा से ज्यादा 6 पैकेट मैंने 10 ग्राम का 60 ग्राम में एक एकड़ आराम से। एक एकड़ में बीज हम अगर बंद गोभी का खेती कर रहे हैं 60 ग्राम में हो जाएगा? हाँ 50 से 60 ग्राम। उसमें हमारा यूरिया डीएपी जो फर्टिलाइजर है मार्केट से लाते हैं वो कितना लगेगा? वो लगभग एक एकड़ में वही एक बोरा डीएपी लग जाएगा, वो भी पूरा शुरू से लेके लास्ट तक में। यूरिया मोटा मोटी मान लीजिए कि 20-30 किलो। यानी अगर आप एक एकड़ में खेती करना चाहते हैं तो फिर 50 से 60 केजी डीएपी और 30 केजी के लगभग यूरिया हमारे किसान भाई देते हैं। ये तो हो गई हमारी खेत की तैयारी का। हम अगला बात करते हैं किसान भाई से कि हम इसको ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं, अपना खेत में ला करके उसको रोपाई कैसे करते हैं, उसके लिए आप कैसे खेत बेड बनाते हैं या फिर कैसे गड्ढा खोदते हैं और उसमें क्या क्या डालते हैं? जैसे हम लोग तो जोताई करके प्लेन कर देते हैं और उसमें क्यारी बना देते हैं, उसमें छोटा छोटा गड्ढा बना देते हैं और उसमें गोबर दे देते हैं गड्ढा में थोड़ा थोड़ा, लगभग 100 ग्राम के आसपास पर पौधा गोबर डालते हैं। 100 से 200 ग्राम पर पौधा गोबर देते हैं और 4-4, 6-6 दाना डीएपी देते हैं और उसका रोपाई कर देते हैं। और रोपाई जैसे कर दिए आप क्यारी अपना बना करके, तो पौधा से पौधा का दूरी क्या रखते हैं? वही लगभग 12 इंच। लाइन से लाइन की दूरी? लाइन से लाइन की दूरी वही लगभग 15-16 इंच। 15-16 इंच के आसपास। तो इससे क्या होता है कि हमारा बीच में अगर कल के दिन में क्या करना है, निराई कोड़ाई करना हाँ। है, तो हम आसानी से निराई कोड़ाई कर सकते हैं और खरपतवार भी आता है तो हम उसमें घुस हाँ, करके घुस के निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। और जैसे हमारा खेत में कुछ खरपतवार भी आता है तो आप उसको कैसे निकालते हैं, कुछ दवा डालते हैं या फिर? नहीं, दवा तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर लेबर से करते हैं तो पूरा परिवार मिल के उसको निकाल लेते हैं। और जैसे बंद गोभी हम लोग बरसात के मौसम में अगर करते हैं तो हम लोग को बहुत सारा समस्या आता है। खासकर हम देखते हैं कि समस्या आता है कि हमारा मिट्टी जब नमी हो जाता है, पानी जमा हो जाता है तो फिर वो गलने लगता है, तो हमारे किसान कैसा जमीन का चयन करेंगे? चयन तो बरसात के लिए तो ऊंचा जगह ही चयन करना है, जैसे मिट्टी तुरंत ज्यादा पानी सोखने लायक ना हो, बलुआ मिट्टी हो तो और बढ़िया होगा बरसात के लिए। और जैसे दोमट मिट्टी में तो गीला ज्यादा देरी तक नमी रहता है तो उसमें संभव नहीं है। यानी हम ऐसा मिट्टी का चयन करें जिसमें पानी ऊपर से बह के और आसानी से निकल जाए। इससे क्या होगा कि हमारा गोभी जो है पानी के प्रति ज्यादा सहनशील नहीं है तो ये आसानी से निकल जाएगा, तो कई प्रकार का रोग से भी हम बच सकते हैं। जैसे आप काफी दिन से गोभी का खेती कर रहे हैं तो इस गोभी में मुख्य रूप से क्या क्या बीमारी आता है? मुख्य रूप से गोभी में तो यही एक तरह से कहा जाए तो उसका पत्ता थोड़ा अंगमारी टाइप का होता है, जैसे सफेद दागी होता है और पत्ता में पहले पड़ता है, एक पत्ता के बाद दूसरा पत्ता में होते होते वो उसका तना भी कमजोर हो जाता है, अंगमारी टाइप का होता है। और दूसरा इसमें ज्यादातर लाही लगता है ठंडा सीजन में। तो अगर आपका पौधा में लाही आता है, क्योंकि लाही पीछे से लगता है और वो खासकर छोटा रहता है उस समय ही लगता है, हाँ छोटा समय, उस समय आप क्या डालते हैं, कौन सा कीटनाशक का स्प्रे? हम लोग तो ज्यादातर एडमायर का यूज करते हैं लाही, यानी मार्केट से आप एडमायर लाही लेकर के स्प्रे कर सकते हैं उसका। ये पत्तेदार सब्जी है तो पत्तेदार सब्जी में खास करके आते हैं कीड़े आते हैं, हाँ कीड़ा आते हैं, तो इसमें कौन कौन सा कीड़ा आता है और आप उसका इलाज कैसे करते हैं? हम लोग तो इसमें साधारण जो बाजार में मिलता है कीटनाशक दवा देते हैं, वैसा कोई ज्यादा यूज नहीं करते हैं। जैसे कीड़ा क्या क्या आता है? कीड़ा तो वही होता है कि मैंने पूरा उसका अंदर घुस जाता है, उसको खाता है, जैसे वो दिखाई दे रहा है उसको देखिए, हाँ जैसे ये आपका इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, कीड़ा लगा हुआ है, इसमें कीड़ा लगा हुआ है। किसान भाई, हमारा अगर गोभी का को नुकसान पहुंचाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो कीड़ा है वो है तना छेदक। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि अंदर तक जाता है और इसमें इसमें घुसता है और अंदर तक चला जाता है और इसे पूरा खा करके बर्बाद कर जाता है, और इसमें वो अपना बच्चा का प्रजनन करता है और वो एक गोभी से दूसरे गोभी चला जाता है, इसे हम लोग का पूरा खेत का गोभी में नुकसान कर देता है। बंद गोभी का कोई व्यक्ति अगर एक एकड़ में कर रहा है तो हमें
कितनी लागत आती है। सबसे पहले हम लोग बात किए थे क्या का, बीज का। तो बीज जो आता है वो आप इसमें कौन सा किस्म डालते हैं? ये बंद गोभी जो हम लोग लगाए हैं ये टकाया सीड्स का है। टकाया सीड्स का टोकीटा। तो मार्केट से आप जब खरीद के लाए उसका 10 ग्राम का क्या प्राइस था? कितना? लगभग 250। 250। तो आप 10 ग्राम का अगर आप लाते हैं एक एकड़ में कितना? ये मैंने 10 ग्राम का लगभग 250 रुपया। 250 रुपये हम मैक्सिमम 300 मान सकते हैं। हाँ, अधिक से अधिक 300 रुपये में आपको बंद गोभी बिल मिल जाएगी। अगर आप एक एकड़ के लिए 6 पैकेट लाते हैं यानी 60 ग्राम लाते हैं तो 6 × 3 = 1800। अधिक से अधिक हम जाएंगे तो 2000 रुपया में हमें एक एकड़ का बीज मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। और उसके बाद में हम लोग आप बताए थे कि जैसे कि एक एकड़ में हम कितना डालते हैं, चार ट्रैक्टर गोबर डालते हैं। तो जैसे एक ट्रैक्टर का गोबर का मूल्य क्या हो जाएगा? एक ट्रैक्टर गोबर का मूल्य लगभग 2000 हो जाएगा। हाँ, सही। 4 × 2 = 8000 और आपका बीज का हो गया 10000। और इसका टोटल लेबर कोस्ट कितना लग जाता है? लगभग 10000। यानी आपका 10 10 20000। और इसके इसमें हमको क्या देना है फिर, स्प्रे वगैरह करना है तो उसको हम 5000 मान लेते हैं। हाँ, सब माने यूरिया डीएपी सब होगा। यानी कहने का मतलब मैक्सिमम हम जाए तो 30000 में आप एक एकड़ में गोभी का खेती कर सकते हैं। हाँ, आराम से, 20-25000 के अंदर भी हो जाएगा। अच्छा, यानी 30000 हम लगाते हैं तो एक एकड़ में गोभी का खेती कर लेते हैं। और उसके बाद में हमें एक एकड़ से कितना लगभग गोभी प्राप्त होगा? गोभी तो एक एकड़ में बहुत ज्यादा निकलेगा, लेकिन यही होता है कि कभी कभी सस्ता हो जाता है। तो फिर भी कितना पीस लगेगा एक एकड़ में लगभग? बहुत ही ज्यादा लगेगा, कम से कम एक एकड़ में लगभग 15000। हाँ, 12 से 15000 पौधा। अगर एक एकड़ में हमारा 15000 पौधा निकलता है और उसको हम बाजार में लेकर के जाते हैं, 10 रुपये के हिसाब से बेचते हैं, तो हमें कितना होगा मुनाफा? वो 1.5 लाख के आसपास। और 1.5 लाख में अगर हम उसको क्या करते हैं, काट देते हैं 30000 रुपया, तो हमें 1,20,000 आमदनी हो जाती है। ये कितने एरिया में लगाए हैं? यहाँ तो मुश्किल से ये बंधा भर होगा तो 40 डिसमिल यहाँ पर है जो अभी बैठे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये 40 डिसमिल में जैसे अभी क्या रेट जा रहा है बाजार में? ये तो मान के चलिए 20 से 30 के बीच में जा रहा है। 20 से 30 रुपया? हाँ, किलो। 20 से 30 रुपये केजी, तो अभी तो अच्छा रेट है। अच्छा रेट है। अगर इसमें से अगर यही रेट 15 दिन चल जाएगा, हाँ, तो 15 दिन में हम सोचते हैं कि 50000 रुपया निकल जाएगा। यानी ये 45 डिसमिल में लगा है। हाँ, और कितना पीस लगभग लगा होगा? एक लगभग अंदाज लगभग 4000। 4000 4 5000। और एक गोभी का साइज आपका क्या है? 1.25 किलो से 1.25 किलो के बीच में। 1 केजी के है। यानी 1 केजी को आप 30 रुपये में अभी बेच रहे हैं। और कितना पीस, कितना है टोटल? 4 से 5000। हाँ, 4 × 2 = 80000 रुपया हम आमदनी यहाँ से। हाँ, अगर सब बिक जाए, अगर सब बिक जाए तो ले सकते हैं। हाँ, यानी हम किसी प्रकार से देखें तो हम हमारे घाटा का सौदा, 80 ना भी हो तो 50000 तो होगा। यानी आराम से हम 50000 कमा सकते हैं। हाँ, कहने का मतलब कृषि में आते हैं किसान भाई, देखिए आजकल हमारे युवा जो हैं वो कृषि से निराश होते जा रहे हैं। हाँ, पीछे भागते जा रहे हैं। लेकिन हमारे ये प्रगतिशील किसान हैं, ये बहुत सारे खेती करते हैं। इनका हम अलग अलग फार्म के बारे में भी जानेंगे अभी, और इसका पूरे साल का कृषि मॉडल क्या होता है जिसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे अभी। तो आप आराम से कृषि में मुनाफा कर सकते हैं, इसमें कोई निराशाजनक बातें नहीं है। हाँ, जैसे हमारे युवा बोलते हैं कि कृषि में कुछ नहीं है, नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है व्यापार में आप जाइएगा तो व्यापार में आपको कितना मार्जिन मिलता है? 10% 20% ऐसे मार्जिन मिलता है। हाँ, लेकिन हमारा कृषि में मार्जिन जो होता है वो गुना में जाता है, यानी 2 गुना 3 गुना ऐसे मार्जिन। हाँ, वैसे जाता है, लेकिन हम लोग के यहाँ के किसान लोग ध्यान नहीं देते हैं ना। सबसे पहली बात तो एक सीजन खेती कर दी एक जगह, अब बेच के सालों भर उसे में गुजर रहे हैं। अरे कम से कम डेली का बाजार, अपना खेती और बाजार दोनों चीज रोज का चलेगा तब ना मुनाफा दिखेगा। मतलब अपने खेत का व्यवस्था ऐसे कीजिए कि आप पर डे बाजार जाइए। हाँ, और पर डे मुनाफा मुनाफा लीजिए, कम चाहे ज्यादा, पैसा मैंने डेली का होना चाहिए। हाँ, डेली का होना चाहिए। हाँ, तो हमारे युवा को हम प्रेरणा देना चाहेंगे इस किसानों से कि आप आइए खेतों में, खेतों की जो हमारा सोना है वो अद्भुत है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम लोग कभी बंधा लगा हुआ है, आलू लगा हुआ है लगभग 2 एकड़ में, तो बैंगन लगा हुआ है, टमाटर लगा हुआ है, सब अभी निकलते जाएगा। और अभी जैसे हम लोग
नर्सरी लगा रहे हैं खीरा कद्दू का, जैसे जैसे जगह खाली होते जगह लगाते जाएंगे, तरबूज लगेगा, फिर खीरा लगेगा, कद्दू लगेगा, कोहरा लगेगा, प्याज लगेगा, तो हर खेती निकलते रहेगा, लगते रहेगा। हम इस किसान भाई से एक साल का पूरा शेड्यूल जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आप एक साल खेती करते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से कैसे खेती करें, यानी आप प्रत्येक दिन बाजार कैसे जाएं और खेत से प्रत्येक दिन पैसा कैसे कमाएं, इसको हम जानेंगे। इसको जानने के लिए हम लोग इस खेती को तीन खंड में विभाजित किए हैं। पहला बारिश का खेती, दूसरा ठंड मौसम का खेती और तीसरा ग्रीष्म का, यानी जिसको हम लोग खरीफ, रबी और गर्मा फसल बोल सकते हैं। हम लोग जानते हैं इन किसानों से कि ये कैसे खेती करते हैं पूरे सीजन और सालों भर ये अपने उत्पाद को बाजार तक लेकर के जाते हैं और सालों भर मुनाफा करते हैं। तो किसान भाई, हमको आप बारिश से शुरू कीजिए, आप बारिश में कब खेती शुरुआत करते हैं? तो जैसे हम लोग खेती तो तीन सीजन होता है एक साल में, जैसे हम लोग मई महीना से मान लीजिए शुरू करते हैं। हाँ, मई महीना में भी कुछ जैसे थोड़ा बहुत पानी जितना पटा सकते हैं, जितना कुआं में पानी होता है, उस आधार पर कुछ मकई लगा देते हैं, कुछ भिंडी लगा देते हैं। उसके बाद जैसे पानी आने का, मानसून आने का इंतजार करते हैं। जैसे मई जून में लगाते हैं तो ये मई जून से ये आपका शुरू होता है, मई जून से शुरू होता है और जाता है मई जून से शुरू होता है, तो कुछ मई में लगता है, कुछ जून में लगता है, कुछ लास्ट जून तक लगते रहता तो है। ये अब बारिश का मौसम है, आप क्या क्या लगाते हैं? जैसे मकई हुआ, भिंडी हुआ, करेला हुआ और मिर्चा हुआ, यही मुख्य फसल है बरसात का। मतलब बारिश का मौसम में आप मक्का, कद्दू, कोहड़ा, भिंडी, करेला, हाँ, मिर्चा, मूली, मूली का खेती करते हैं? करते हैं, थोड़ा थोड़ा सब जैसा जगह होता है सब तरह का खेती मिक्स करते हैं। उसके बाद जैसे शुरू लगाया हुआ होता है वो खत्म होते जाता है, फिर उसको जुताई कोड़ाई तैयारी करते जाते हैं। जुलाई तक में जैसे फर्स्ट मई महीना में हम लोग मकई लगाते हैं तो जुलाई में ख़त्म हो जाता है, तो फिर उस खेत को जुताई कोड़ाई शुरू कर देते हैं। फिर जुलाई लास्ट तक में वो अगस्त फर्स्ट तक में खेत तैयार हो जाता है, तो उसमें हम लोग दूसरा खेती फिर इधर मैंने रबी फसल का तैयारी करते हैं, जैसे फूल हुआ, बंधा हुआ, बैगन, आलू, जैसे जैसे जगह तैयार माने फसल निकलते जाता है वो हिसाब से अपना खेत तैयार करते जाते हैं, उसी हिसाब से बिचड़ा बनाते जाते हैं और खेती लगाते जाते हैं। यानी हम समझ पा रहे हैं आपका बात को कि जैसे बारिश का मौसम में आप क्या लगाए थे, करेला, भिंडी वगैरह लगाए थे, हाँ, वो लगा ही हुआ है। हाँ, और आप जैसे ठंड प्रवेश कर रहा है उस समय आप फूलगोभी, बंद गोभी का नर्सरी भी तैयारी कर लेते हैं, तैयारी करते ताकि जैसे हैं। बरसात का फसल जो है वो निकलते जाता निकल है जाए और तुरंत आप डाल देते हैं। वैसे ही आप गर्मी में कैसे करते हैं? उसी तरह जैसे आप फूलगोभी जैसे खत्म हो रहा है, अब दिसंबर महीना खत्म हो रहा है तो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, जैसे बिचड़ा बनाने के लिए हम लोग नर्सरी लगा रहे हैं कद्दू का, खीरा का, तरबूज का, तो जैसे जैसे खाली जगह होते जाएगा वैसे थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे। और ये भी क्रम मोटा मोटी मानिए जनवरी से शुरू हो जाएगा लगना, जनवरी फरवरी लास्ट तक में सब लग के खत्म हो जाएगा। जैसे हम पीछे देख पा रहे हैं ठंड मौसम का खेती है, हाँ, ठंड मौसम और ये लगा ही हुआ है, लेकिन आप तरबूज का, खीरा का, कद्दू का, मिर्चा का नर्सरी भी तैयार कर लिए। हाँ, और जैसे ये खत्म हो जाएगा, हाँ, बंद गोभी का प्लॉट या आलू का प्लॉट, हाँ, आप क्या लगाइएगा, गर्मा का तैयारी कर लीजिए, गर्मा फसल लगा, गर्मा फसल का तैयारी। इस प्रकार से आप, हमको लगता है कि सालों भर अपना उत्पाद को बाजार तक ले जाते हैं। हाँ, कम चाहे ज्यादा, थोड़ा थोड़ा रोज दिन का पैसा आते रहता है कुछ बहुत, तो घर का खर्चा चलते रहता है, पता नहीं चलता है कि आज पैसा है नहीं है, रोज का खर्चा चल रहा है, रोजमर्रा आराम से गुजर जाता है। तो इस प्रकार से किसान भाई आप भी एक अपना खेती को शेड्यूल्ड कीजिए, उसको आप एक कैलेंडर बनाइए, जैसे कि हम बारिश के मौसम में कौन सा खेती करेंगे, उसके बाद गर्मी का मौसम में कौन सा खेती करेंगे, उसके बाद में आप ठंड का मौसम में कौन सा खेती करेंगे, तो इनको सीखना पड़ेगा। और इसको सीख करके जब खेती कीजिएगा तो आपका उत्पाद सालों भर बाजार तक जाएगा।